समाज सेवी संस्था कंसर्न सोसाइटी जालंधर की प्रधान पूजा खन्ना, सचिव चरणजीत सिंह भोला वासिया की ओर से श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल जालंधर की प्रिंसिपल ए जया सुधा के साथ विशेष भेंट वार्ता की गई, जिसमें प्रिंसिपल ए जया सुधा ने बताया कि कैसे बच्चों को चिंता मुक्त शिक्षा प्रणाली प्रदान की जा सकती है, जिससे विद्यार्थी दूसरे देशों में जाने की बजाय अपने ही देश में उच्च शिक्षा हासिल कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया, ताकि वे काबिल इंसान बन सकें और जिंदगी में किसी भी मोर्चे पर कामयाबी हासिल कर सकें। इस मौके पर सोसाइटी के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम जयसुधा है। मैं श्री चैतन्य स्कूल में प्रिंसिपल की काम कर रही हूँ। सो स्ट्रेस फ्री एडुकेशन, पहला बात, एडुकेशन इज नॉट एट ऑल स्ट्रेस्ड। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना है कि बच्चे को कैसे हम ये डिलीवरी करें। तो श्री चैतन्य में हम क्या करते हैं कि क्लास फिफ्थ से बच्चे को कैरियर ओरिएंटेड टीचिंग करवाते हैं। जैसे हमारा भी न्यू NAP पॉलिसीज आए हैं, क्लास फिफ्थ से बच्चे चूज़ कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है उनको, फ्यूचर में उनको कहाँ फोकस है। सो सेम थिंग हम यहाँ पर करवाते हैं उनको कि ट्वेल्थ के बाद अभी ऐसे हो गया है कि देर आर मैनी नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर IIT और NEET और वॉट एवर XYZ जो भी कोर्सेज उनको लेनी है। सो वो कोर्सेज को लेने के लिए उनको एंट्रेंस एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं, और ट्वेल्थ के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं वो लोग 9th, 10th, 11th and 12th का इकट्ठे जो भी सिलेबस होता है उसके ऊपर ही उनका एग्जामिनेशन पैटर्न्स होते हैं। तो जब बच्चा पढ़ता है 8th, 9th, 10th में, तो हम उनको भूल ही जाते हैं बोलना कि बेटा अभी ये टॉपिक भी ध्यान से पढ़ना, पर हम उनको क्या बोलते हैं, 10th आपका इंपॉर्टेंट है। सो एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ एडुकेशन, दैट्स इट। सो स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट तैयारी नहीं करनी है, 3-4 महीने पहले उनको सिलेबस को कंप्लीट कर देना, और 4 months ई शुड ओनली डू रिविजन एग्जामिनेशंस। और जब वो रिविजन एग्जामिनेशन और सेल्फ स्टडी करेगा, ही विल बी मोर देन इनफ टू राइट एनी एग्जाम, एंड ही शुड टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन टेक्सचुअल। मैं पूजा खन्ना कंसर्न सोसाइटी NGO से प्रेजिडेंट हूँ, मॉडल टाउन से हूँ। मेरी NGO 2011 से है। मेरी NGO में मेन मोटिव ये होता है कि हम पुरानी बुक्स को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, पर अभी हमने लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट किया है कि बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का स्ट्रेस है उसको स्ट्रेस फ्री कैसे किया जाए। इसके लिए मैंने अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स की इंटरव्यू ली है, बच्चों की ली है और पेरेंट्स की भी ली है। इसमें मैं अपने थोड़ा व्यू ये देना चाहती हूँ कि बेटर होगा अगर स्कूल्स के प्रिंसिपल बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दें, असाइनमेंट ज़्यादा दें, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। रादर कि बच्चा लर्न करके रट्टा मार के लिखे, वो थोड़ा सा रट्टे वाला काम हो जाएगा, जिस जो कि हमारी NGO के अगेंस्ट है। बच्चे जिस तरह बाहर भजन की कोशिश करते हैं या वो सोचते कि बाहर बैटर एटमोसफियर है, इतने ही बच्चों इस ढंग न एक पैटर्न एजुकेशन का दिता जाए कि उन्होंने बिल्कुल बड़ा ईजी लगे इस सारे कैरियर अपने बिल्ड करना, और उन्होंने इंटेंशन जी है बाहर जा, जिस तरह अभी चाहते हैं कि असाइनमेंट्स ज़्यादा दी जा, उन्होंने प्रैक्टिकल पार्ट एजुकेशन का ज़्यादा, ताकि उन्होंने मेंटल लैवल भी वधे, नाल दे शुड बी एबल टू कंपीट इन ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़।